नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ और बीएफएल द्वारा बनाए गए, यानी कि भारत फोर्स द्वारा बनाए गए एटीएचजीएस के बारे में, जिसको लेके हाई ऑल्टीट्यूड ट्रायल का जो कम्पलीशन है वो अनाउंस कर दिया गया है ऑफिशियली बीएफएल के द्वारा। मतलब यहाँ पे एटीएचजीएस ने जो अपने ट्रायल्स हैं हार्श और हाई ऑल्टीट्यूड पे वो कम्प्लीट कर लिए हैं, और कहीं ना कहीं बीएफएल एटीएचजीएस को एक बड़े नंबर में प्रोक्योर किए जाने के लिए जो ऑर्डर्स हैं उसका इंतजार कर रही है। हम सभी जानते हैं कि एटीएचजीएस एक 155 mm 52 कैलिबर गन है, जो कि 25 लीटर चैम्बर का इस्तेमाल करता है, जिसकी हेल्प से आप ज्यादा चार्ज का इस्तेमाल करके जो भी आपका प्रोजेक्टाइल है उसको दूर तक पहुंचा सकते हो। तो यहाँ पे जो चैम्बर है वो 25 लीटर का है। बात करते हो हाई ऑल्टीट्यूड ट्रायल की, तो वो कंडक्ट किए गए सिक्किम में, जो कि अराउंड 13,000 फीट के ऑल्टीट्यूड से ऊपर कंडक्ट किए गए हैं। तो इस तरह के ऑल्टीट्यूड पे ट्रायल को कंप्लीट करना बिना किसी इशू के, मतलब गन ने जो अपनी एंड्योरेंस है और रिलायबिलिटी है दोनों मेंटेन की हुई थी इस पूरे ट्रायल के टाइम पे, जो कि एक यूनिक फीचर है, ऐसा अब तक किसी गन ने नहीं किया है। अदरवाइज वर्स्ट कंडीशन में क्या होता है कि गन के बैरल के बाहर जो टेम्परेचर है वो कुछ और है, और जो गन के अंदर टेम्परेचर है वो एकदम से बढ़ता है, और आपकी जो बैरल की तकनीक है वो इन्फीरियर है, तो कहीं के जो बैरल बस्ट के चांस है वो वहाँ पर रहते हैं। तो ऐसा कुछ आपको एटीएचजीएस के साथ देखने को नहीं मिला है, जो कि ये दर्शाता है कि जो गन है वो हाईली रिलायबल है। स्टैट की बात करते हो तो ये गन ऑलरेडी 500 किलोमीटर कंप्लीट कर चुका है 15,400 फीट पे, यानी कि 15,400 फीट पे। अपने आप में ये चीज काफी डिस्टिंक्टिव है, जो कि इसके हाई मोबिलिटी को दर्शाता है। इसके पास ऑलरेडी वर्ल्ड रिकॉर्ड है 48.074 किलोमीटर तक टारगेट को हिट करने का, जो कि लॉन्गेस्ट है इस कैटेगरी के गन के लिए। और यहाँ पे जो रेंज अचीव की गई थी वो HERFB राउंड से अचीव की गई थी। एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर के बारे में अगर बात करते हो तो ATAGS के पास ये एबिलिटी है कि वो जोन 7 चार्ज तक को कैरी करके प्रोजेक्टाइल को फायर कर सकता है। जिनको नहीं पता हायर जोन चार्ज के बारे में, तो बेसिकली आपके बैक मॉड्यूलर चार्ज होते हैं, इसको लेके हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। मुख्यतः ये दो कैटेगरी के होते हैं, पहले आपके होते हैं लोअर जोन चार्ज यानी कि LG, और जो आपके सेकंड होते हैं वो हायर जोन चार्ज होते हैं यानी कि HG। जो लोअर जोन चार्ज होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं शॉर्ट रेंज के टारगेट को हिट करने के लिए, और जो आपके हायर जोन चार्ज होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं लॉन्गर रेंज में टारगेट को हिट करने के लिए। तो आमतौर पर जो स्पेसिफिकेशन है इस कैटेगरी के गन के लिए वो जोन 6 तक की है। जब आप जोन 6 का चार्ज इस्तेमाल करके फायर कर रहे होते हो तो वहाँ पर जब आपके बैरल के अंदर प्रेशर है वो 420 MPa तक चला जाता है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि अगर आप जोन 7 का इस्तेमाल करोगे तो वो आपके प्रोजेक्टाइल को एक हायर स्पीड से प्रोपेल करेगा, और कहीं ना कहीं जो प्रेशर है बैरल के अंदर वो भी बढ़ता है। तो यहाँ पे ATAGS ने उसको मैनेज किया हुआ है। यहाँ पे इसके पास ये क्षमता है कि ये जोन 7 तक जाकर और भी आगे प्रोजेक्टाइल को फेंक पाएगा। अगले यूनिक फीचर की बात करते हो तो वह ATAGS का एक शॉर्ट डिस्टेंस में मुड़ जाना, मतलब जो रेडियस ऑफ टर्न है वो काफी स्मॉल है, और ये एक यूनिक तकनीक है जो कि BFL के पास है। तो ये था आपके BFL द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए और DRDO द्वारा डेवलप किए गए ATAGS को लेके, जिसके जो ट्रायल हैं हाई ऑल्टीट्यूड में वो कंप्लीट कर लिए गए हैं, मतलब वो जो चैप्टर है वो बंद हो चुका है। अगर एक क्विक लुक लेना चाहोगे तो यहाँ पे ATAGS का जो बैरल है वो 465 MPa तक का जो प्रेशर है वो झेल सकता है, क्योंकि ये 25 लीटर चैम्बर का इस्तेमाल कर रहा है। तो ऑब्वियस ये बात है कि जो चार्ज का जो वॉल्यूम होगा वो हायर होगा। बैरल को बनाया BFL ने, मजल ब्रेक बनाया OFB ने। बीच मैकेनिज्म की बात करोगे तो टाटा BFL और इंडस्ट्री बोर्ड ने बनाया है। रिकॉयल सिस्टम यहाँ पे टाटा का है और महिंद्रा डिफेंस का है। स्ट्रक्चर एंड ऑटोमोटिव की बात करते हो तो BFL और टाटा का है। ऑटोमेशन कंट्रोल की बात करोगे तो वहाँ पे BFL और टाटा दोनों के हैं। ऑप्टोनिक लाइट यहाँ पे टाटा का है, और कुछ चीजें इंपोर्ट की गई हैं। जहाँ तक बात है टैक्टिकल कंप्यूटर की तो BEL ने दिया है। कम्युनिकेशन सिस्टम BEL का है। जो मजल वेलोसिटी रडार है वो प्रोक्योर किया गया बाहर से। जो बैटरी कमांड पोस्ट है वो BFL ने बनाया है। टोइंग सिस्टम यहाँ पे अशोक लेलैंड का है, जबकि जो अमोनेशन है वो ऑर्डिन फैक्ट्री बोर्ड के अब तक आ रहे हैं। जहाँ तक बात करो DRDO की कितनी लैब यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो DRDO की VRD, IRD, DEL, PXE और CIR, ये कुछ जो 5 लैब हैं वो इन्वॉल्व हैं। कुछ अदर स्पेसिफिकेशन की बात करोगे तो यहाँ पे मैं लिस्ट डाल दूंगा, जिसमें जो आपको की फैक्टर लगेगा वो इसका ऑक्सिलरी पावर यूनिट है, जो कि 110 किलोवाट के इंजन के रूप में दिया गया है। ये इसको हेल्प करता है एक बार टोइंग व्हीकल से हटने के बाद खुद को पोजीशन करने में। तो ओवरऑल हर कैटेगरी में सभी एस्पेक्ट पे ये अपनी क्लास के जो भी गन्स हैं उनसे सुपीरियर है। जहाँ तक वेट की बात है, काफी लोग इसके वेट को लेकर कंपैरिजन करते हैं और क्रिटिसाइज करते हैं। तो जो वेट में स्लाइड सा जो वेरिएशन है वो ऑब्वियस है। यहाँ पे जो चैम्बर है वो 25 लीटर का ये इस्तेमाल कर रहा है, और उसको देखते हुए अकॉर्डिंगली जो बाकी के सपोर्ट सिस्टम है वो बनाए गए हैं। तो अब यहाँ पे इंतजार है ATAGS को लेकर आर्मी का क्या स्टैंड रहता है और वो कब तक ऑर्डर्स को प्लेस करते हैं। हम सभी अवेयर हैं कि आर्मी को रिक्वायरमेंट है इस तरह के अराउंड 1500 गन की, जिसके जो ऑर्डर है आने वाले 1 से 2 सालों में प्लेस किए जाएंगे आर्मी के द्वारा। तो उसी का जो इंतजार वो चल रहा है। होपफुली यहाँ पे ATAGS को सेलेक्ट किया जाए तो कहीं की जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है उसको बूस्ट मिलेगा, और इस तरह का जो गन है पहली बार अपने भारत में डिजाइन और डेवलप करके मैन्युफैक्चर करके आप इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो ये काफी प्राइड वाली बात होगी। तो इसका ऑर्डर का इंतजार रहेगा। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।